है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मल्टीप्लाई अगर बहुत सारा एक साथ में दिया हो तो उसे किस तरह से किया जाता है। एग्जांपल के लिए आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें देखिए एक में यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नंबर है, कुछ नंबर है, फिर कुछ नंबर है। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के बहुत सारे अगर नंबर कई नंबर मल्टीप्लाई में दिए हैं तो उसे किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ में आप ये भी समझेंगे कि अगर जीरो होता है तो इसका भी मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। इसे बहुत ही आसान तरीके से आप समझेंगे। पहला मैं आपका कन्फ्यूजन ये दूर कर दूं कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इसको क्या इस तरह से लिखेंगे कि जिस तरह से ये नंबर लिखा है ये लिख लिया, फिर ये नंबर लिखा है 700 फिर ये लिख लिया, उसके बाद ये 70 लिखा है फिर ये लिख लिया, और लाइन खींच के इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इस तरह से करेंगे या फिर आप किसी दूसरे तरह से करेंगे? अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे या फिर ऐसा सोच रहे थे इसे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो समझ लीजिए कि यह बिल्कुल गलत तरीका है। अगर इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल गलत आंसर आएगा आपका। तो इसका सही तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए। इस तरह से तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे आपको करना कैसे है वो देखिए। आप सबसे पहले इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करिए, या फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, या इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, या फिर इस नंबर को लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और फिर उसमें मल्टीप्लाई करिए। तो इसको कैसे करेंगे ये देखिए। आपको सिर्फ दो नंबर का ही मल्टीप्लाई किया जाता है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, जीरो का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जीरो के मल्टीप्लाई के लिए एक अलग से एग्जांपल पहले देख लीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई करना हम देखेंगे। पहले जीरो का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 10, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 200, ठीक है, या फिर यहां 10 की जगह मान लीजिए लिखा होता 3, तो मल्टीप्लाई करने में आपको समझ में आएगा सही तरह से। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाता है, जो नंबर है उसका सिर्फ मल्टीप्लाई आप करिए। आप इसको 200 इस तरह से लिख के नीचे 30 लिखिए, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है, जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो का किसी भी में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आता है, जीरो का टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा। फिर अगला स्टेप में नीचे मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, थ्री का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री का जीरो में करेंगे तो भी जीरो आएगा, थ्री का जीरो में करेंगे तो भी जीरो आएगा, थ्री का अब टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सिक्स आएगा। फिर फाइनली आप क्या करते हैं, लाइन को खींच के इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जीरो यहां पे आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा, यहां पे सिक्स आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 6000 आ गया। लेकिन मैं आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना तो सिखा नहीं रहा था, यहां पर मैं आपको यह सिखा रहा था कि जीरो का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यहां पर 3 जीरो आएंगे। अब मैं आपको एक अच्छा था एक तरीका बता दे रहा हूं कि आपको जीरो का मल्टीप्लाई कभी करना ही नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये देखिए यहां पर कितने जीरो हैं, एक दो, दो जीरो हैं, यहां पर कितने जीरो हैं, एक जीरो है, टोटल कितने जीरो हैं, एक दो तीन, टोटल 3 जीरो हैं। तो फाइनल आंसर में देखिए 3 ही जीरो आपको लगाने थे, तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी एक ही लाइन में लिख सकते थे 3 जीरो लगा के। तो फाइनल आपको करना क्या होता है, जो नंबर है सिर्फ उसका उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 टूजा कितना होता है, 6, 3 टूजा 6 आपको लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। यहां पर यह नंबर लिखा था, आप सिंपली इसका क्या करते, 3 टूजा 6 होता है, 6 लिख देते, 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो लगा देते, ये आपका आंसर एक लाइन में आ जाता, इतना आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ये समझ गए हैं कि जीरो जोड़कर लिख दिया जाता है, तो ये चीज आप समझ गए हैं। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूजन आपको कुछ नहीं करनी है, आपको इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 0 0 हम छोड़ देते हैं, ये वाला एक 7 है यहां पर, ये वाला एक 7 है यहां पर, ये वाला एक 7 है यहां पर, इन सब का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7, इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। 7 7 जो होता है 49, ये लिख दिया। उसके बाद जो आंसर आया, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका है, इनकी बात खत्म हो गई, इसका आंसर आया है 49। अब ये जो 7 बचा है इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 7 को हमने यहां पर लिख दिया, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा, 7 9 जो कितना होता है, 7 9 63 की 3 हासिल लगी 6, 7 4 28 और 6 कितना होता है 34, यानी 34 होता है, वो लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे देखना है कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं,
इसके आगे आप क्या करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह जीरो लगा देंगे, एक दो तीन चार पांच छह, और सेवन का सेवन मल्टीप्लाई किया इतना आया, फिर ये वाले सेवन का भी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 334 आ गया, 343, उसके बाद छह जीरो थे वो जोड़कर हमने लिख दिया, जीरो का मल्टीप्लाई भी हमें नहीं करना पड़ा और आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो गई कि मल्टीप्लाई किया किस तरह से जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।